अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम एसिड एंड बेसिस के नाम से। एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और क्या होते हैं एसिड एंड बेसिस। तो एसिड बेस का जो वर्ड आता है तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि भाई एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, क्या किस चीज़ को एसिड कहते हैं, किसको बेस कहते हैं। तो यही क्वेश्चन सदियों से मतलब मौजूद रहा है, इसको मुख्तलिफ तरह से डिफाइन किया जाता रहा है। तो पुराने ही हमारे पास जो इसकी जो इनकी तारीफें मिलती हैं, ये जो पुरानी हमारे पास इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने बनाई हुई हैं चीज़ें, के हमने कहा कि एसिड ऐसी चीज़ें होती हैं जो आमतौर पर सावर इन टेस्ट होती हैं, सावर मीन खट्टी होती हैं, ठीक है। और बेस जो होती है ना वो आमतौर पर कड़वी होती हैं, ठीक है। फिर ये कि एक लिटमस एक होता है, इंडिकेटर होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। ब्लू लिटमस को एसिड जो होते हैं वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके अलावा जी के एसिड जो होते हैं वो अगर स्किन पे गिर जाता है तेजाब तो वो बर्निंग सेंस देता है, मतलब स्किन को जला देता है, वहां से डैमेज कर देता है, ठीक है। और जो बेस है वो उसका स्लिपरी टच होता है जैसा कि साबुन है, ठीक है। तो आमतौर पर बेसिस के बारे में ये कहा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कड़वी चीज बेस हो, ठीक है ना। मतलब ठीक है बेसिस कड़वे होते हैं, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि हर कड़वी चीज जो है वो बेस हो, ठीक है। मतलब ये कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो नहीं है ना कि जाके की बुनियाद पे हम चीज को कहते हैं कि ये एसिड है या ये बेस है। बेसिकली ये केमिकल प्रॉपर्टी है, तो केमिकल प्रॉपर्टी है तो इसके लिए कोई केमिकल जो ना वो हमारे पास डेफिनेशन भी इस तरह से होनी चाहिए जो उसको केमिकली डिफाइन करे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है। तो इस हवाले से मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि हम सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि कैसे एसिड और बेस को डिफाइन करें। और मैंने कहा था कि मतलब हम सिर्फ जाहिर है कि उसको टेस्ट करके तो नहीं बता सकते, अब एसिड को टेस्ट तो नहीं किया जा सकता। तो एक तो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास कोई ऐसी डेफिनेशन हो जो डिफाइन करे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। उसके बाद फिर ये कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि एसिड को एसिड बनाती है और बेस को बेस बनाती है, ठीक है। और तीसरी चीज ये थी कि हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। तो ये हमारे पास जो सारे क्वेश्चन थे इनका आंसर ढूंढने के लिए हमने जो है ना वो मतलब साइंटिस्ट ने इस पे वर्कआउट किया और उसको एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश की। तो उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था वो आर्हेनियस का था, ठीक है। तो आर्हेनियस ने सबसे पहली जो थ्योरी थी एसिड बेस की वो आर्हेनियस ने दी थी, ठीक है। और आर्हेनियस क्या कहता था जी, उसने ये कहा था, चलो क्या रख रही हो चूल्हे पे निमरान सार। अच्छा जी, आर्हेनियस ये कहता था कि एसिड एक ऐसी किसी ऐसी चीज होती है जिसके पास प्रोटॉन हो, एच पॉजिटिव हो, ठीक है। तो हर वो ऐसी चीज और वो एच पॉजिटिव जब उसको पानी में हल करें तो वो एच पॉजिटिव को रिलीज कर दे या डिसोसिएट कर दे या डोनेट कर दे, जो भी है, ठीक है। मतलब ये है कि HCl जो है इसको अगर हम पानी में हल करते हैं तो ये डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो इट मींस कि ये एक एसिड है, सही है ना। तो एसिड हर वो चीज जो पानी में डिसोसिएट होकर, देखे ना पानी में जब भी किसी चीज को पानी में डिजोल्व करते हैं और अगर वो आयंस पे मुश्तमिल हो तो वो डिसोसिएट हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये H2SO4 है, इसको पानी में हल करेंगे तो पानी क्या करेगा, पानी इसके कैटाइन और एनाइन को सेपरेट कर देगा। मतलब 2H पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा और SO4 2 नेगेटिव क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इसने पानी में हल होके क्या दिया, प्रोटॉन दिए। तो हर वो चीज जो पानी में हल करने पे प्रोटॉन दे, H पॉजिटिव दे, उसको हम एसिड कहते हैं। बेसिकली H पॉजिटिव प्रोटॉन ही होता है ना, मैंने आपको ये पता होगा कि भाई हाइड्रोजन जो एटम है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो बाकी जो बचेगा वो एक प्रोटॉन ही होगा। तो इसको H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, सही है। तो आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड वो होते हैं, कोई ऐसी चीज होती है जिसको पानी में हल करें तो वो वहां पे प्रोटॉन दे दें, ठीक है, हल होने पे, ठीक है। तो उसको हम एसिड कहते हैं। इसी तरह उसने कहा था जी कि बेस एक ऐसी चीज होती है कि जिसको पानी में हल करें तो वो OH आयन दे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन इसको हम कहते हैं। मसलन NaOH है, इसको पानी में जो ना डिजोल्व किया तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये जो नीचे होता है पैरेंथेसिस में, ये नीचे ब्रैकेट के नीचे होता है, इसको ट्वाइस पढ़ते हैं, तीन होगा तो थ्राइस पढ़ेंगे, ठीक है। तो CaOH ट्वाइस को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं
तो ये डिजोल्व होके बनाएगा सी ए प्लस टू या टू पॉजिटिव प्लस ये बनाएगा टू ओ एच नेगेटिव बनाएगा। तो हर वो चीज जो पानी में हल होने पे प्रोटॉन दे वो एसिड, और हर वो चीज जो पानी में हल होने पे हाइड्रोक्साइड आयन दे उसको हम बेस कहते हैं। तो ये एक हमारे पास एक पहली डेफिनेशन आ गई कि एसिड वो चीजें होती हैं जो प्रोटॉन पानी में हल होने पे प्रोटॉन देती हैं, और बेस वो चीज होती है जो पानी में हल होने पे हाइड्रोक्साइड आयन देती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मतलब एक और बात थी कि ये जो प्रोटॉन होता है ना, अकेला प्रोटॉन ये पानी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बल्कि ये क्या करता है, पानी का जो ऑक्सीजन है ये उसके साथ अटैच होता है। सॉरी, जो पानी में का मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ठीक है, ये इस लोन पेयर की मदद से इसको अपने साथ क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, जिसके नतीजे में हमारे पास एक कैटाइन ही बनता है, H3O पॉजिटिव बनता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियमाइन बोलते हैं, ठीक है। तो H पॉजिटिव जो होता है वो पानी में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, जब भी वो होगा वो हाइड्रोनियमाइन की फॉर्म में होगा, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में होगा, सही है ना। तो ये एक बाय द वे इसमें बात आ जाती है। उसके अलावा एक मॉडर्न डेफिनेशन भी है एसिड्स की, कि हर वो चीज जिसको पानी में ऐड करें और वो वहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, उसकी मिकदार को बढ़ा दे, वो एसिड होगी, और हर वो चीज जो पानी में ऐड करने पे OH की कंसंट्रेशन बढ़ा देगी वो बेस होगी। मिसाल के तौर पर देखें कि अगर आपके पास एक जो ना वो सब्सटेंस है, यही है ये HCl ही है, ठीक है, तो इसने पानी में ऐड होके क्या किया, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, ठीक है, और उसमें इजाफा हो गया, इस वजह से जो ना ये एक एसिड है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अमोनिया है हमारे पास, ठीक है, हालांकि ये उस कंसेप्ट में इस चीज का नहीं था, ये बाद में इस कंसेप्ट को इम्प्रूव किया गया था। अगर फर्ज करें आपने अमोनिया को पानी में ऐड किया है ना, या अमोनिया का आपने जो ना वो हाँ पानी के अंदर उसको ऐड किया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहां पे रिएक्ट करके NH4 पॉजिटिव बना देगा, अमोनियम आयन बनाएगा, ठीक है, और ये साथ OH नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। अब पानी के अंदर अमोनिया ऐड करने से किसकी कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब अमोनिया क्या था, एक बेस है, ठीक है। तो हर वो चीज जो पानी जिसमें जिसको ऐड करने पे पानी में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए वो एसिड, और जिसको ऐड करने पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए उसको हम कहते हैं ये बेस है। तो ये अगेन मैं कह रहा हूँ ये मॉडर्न डेफिनेशन है, ये जो आर हिनीस ने कॉन्सेप्ट दिया था ये उसमें ये वाली बात शामिल नहीं थी, ये आज के दौर में हम ये बात करते हैं, ठीक है। आर हिनीस के दौर में अगर ये बात हुई होती तो ये एक परफेक्ट थ्योरी थी, इसमें कोई फ्लॉ नहीं था, लेकिन बहरहाल हम आगे देखेंगे इसमें यही इसमें जो ना वो शॉर्टकमिंग्स थी। अच्छा जी, अब उसके अलावा दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, हमने एसिड और बेस को डिफाइन तो कर लिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और एसिड एसिड क्यों होता है। हमने कहा जी कि एसिड इसलिए एसिड होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता है, बेस इसलिए बेस होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो मतलब ये है कि किसी चीज के एसिड होने में किसका रोल है प्रोटॉन का, किसी चीज के बेस होने में किसका रोल है हाइड्रोक्साइड आयन का। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आ गया भाई कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है, किस तरह से हम फर्क कर सकते हैं। तो आर्गेनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो पानी में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो HCl है, सही है, HCl आपने लिया और इसको आपने पानी में डिजोल्व किया, जितना भी आप HCl ले लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इसका 1 मोल ले लिया है, या आपने फर्ज अगर इसको और सिंपल करना चाहते हैं आप, आपने इसके जो ना वो 10 मॉलिक्यूल ले लिए हैं, तो वो 10 के 10 जो है वो क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, और वो 10 डिजोल्व होके 10 ही H पॉजिटिव बना देंगे और 10 क्या बना देंगे, Cl नेगेटिव बना देंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप 100 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो वो भी सारे के सारे डिजॉल्व हो जाएंगे, 100 H बन जाएगा, 100 जो है ना वो Cl नेगेटिव बन जाएगा। अगर आप 1000 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो मतलब ये कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी उसकी मिकदार ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, वो सारे का सारा पानी में डिजॉल्व होता जाता है। देखें ये आम पानी जो होता है ना उसने करना होता है इनको सेपरेट, ठीक है ना, ये H पॉजिटिव है, ठीक है, और Cl नेगेटिव है, ठीक है। पानी का क्या काम है कि पानी के मॉलिक्यूल्स ने इनको अट्रैक्ट करना होता है, पानी का जो है ऑक्सीजन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पानी के ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरा ऑक्सीजन भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एक तीसरा ऑक्सीजन भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इस दूसरी तरफ पानी का जो एच हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, तो वो जो एच पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट करते हैं सी एल नेगेटिव को,
मतलब दोनों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल एक तरफ से एच पॉजिटिव खींचता है, दूसरी तरफ से वो नेगेटिव खींचता है, और ओवरऑल नतीजा ये होता है कि एच और सी एल क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि पानी के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो जितने भी एच सी एल आए उनको सेपरेट कर सके, और फिर सेपरेट करना ही नहीं होता कमाल, फिर ये होता है कि सेपरेट करने के बाद अगर एच पॉजिटिव सेपरेट हो गया है तो उसको चारों तरफ से ओ नेगेटिव ने घेर के भी रखना है ताकि दोबारा ये सी एल के साथ ना मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं, इसको हम हल होना कहते हैं कि ये चीज उसमें क्या हो गई है, डिजोल्व हो गई है। सही है ना। अच्छा, अब ये डिजोल्व हो गया है तो इसका मतलब है कि इसमें इसको डिजोल्व करने में पानी की एक पावर यूज हुई है। ठीक है, और जाहिर है पानी की पावर एक हद तक होती है, वो उसको एक हद तक डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, और उससे ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन एचसीएल के मामले में या स्ट्रॉन्ग एसिड के मामले में ये है कि उनकी जितनी भी मिकदार हम पानी में ऐड कर दें वो सारे के सारे डिजोल्व हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर HNO3 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आप इसको भी पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये सारे का सारा 100% जो है ना वो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। आप यहाँ पे आमतौर पे हम डिसोल्यूशन को जो है वो इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये 100% हो जाता है तो जो 100% कंप्लीट हो जाए ना रिएक्शन, वो इररिवर्सिबल रिएक्शन होता है। आमतौर पे हम उसको कहते हैं कि ये कौन सा है, इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो बहरहाल लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका यही है कि हम इसको डबल एरो से शो करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। अब उसने कहा था जी वीक एसिड वो होते हैं जो पानी में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते। मसलन आपने एसिटिक एसिड लिया, CH3COOH एसिटिक एसिड है, सही है, आपने इसको पानी में डिजोल्व किया तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके आपके पास 100 मॉलिक्यूल आपने हल किए थे तो ये 100 के 100 डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, इसकी एक खास परसेंटेज जो है ना वो पानी में डिजोल्व होगी, उससे ज्यादा ये पानी में डिजोल्व नहीं होगा। ये एक कैटायन बना देगा और एक क्या बना देगा, एनायन बना देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 दिए थे तो 100 में से जो ना वो 40 बच जाएंगे, बाकी जो ना वो 60 जो ना वो डिजोल्व हो जाएंगे, 60 ये बन जाएगा, 60 ये बन जाएगा। तो मतलब क्या कहने का कि इसकी 100% डिसोसिएशन नहीं हुई, अभी भी उसमें वहां पे सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड इस फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, और कुछ इस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में, मतलब तीन चीजें वहां पे मौजूद है। लेकिन जब आपने HCl वगैरह को डिजोल्व करना होता है तो फिर उसमें HCl बाकी नहीं रहता, वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो ये फर्क है कि ये जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये उसने इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया। तो ये वीक एसिड की एग्जाम्पल एसिटिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड वीक एसिड होता है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, इधर इधर नहीं आना, और ये कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है जो कि आप रोजाना पीते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। कौन कौन पीता है कार्बोनिक एसिड, फरा साबुन तो खाती हो, कार्बोनिक एसिड भी पीती हो? जी सर। हाँ जी, और कौन है जी कार्बोनिक एसिड पीने वाला यहाँ पे, बस और कोई नहीं है? और कोई नहीं पीता कार्बोनिक एसिड? कार्बोनिक एसिड ऐसे बनता है जी, पानी पानी का रिएक्शन करवाते हैं या उसका इंट्रैक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बन जाता है जी H2CO3। अब आप कोई ऐसी चीज सोचें जिसमें ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं, पानी भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वो कौन सी चीज है बताएं जरा जल्दी जल्दी। कोल्ड ड्रिंक। सर कोल्ड ड्रिंक, तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है ये जो जिनको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं इनको हम, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी है पेप्सी कोक सेवन अप वगैरह वगैरह हैं इनको हम बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, तो ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं इनके अंदर ये वाला प्रोसेस होता है और उनके अंदर कार्बोनिक एसिड मौजूद होता है जो हम पीते हैं। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, तो उसमें अगर आपके उस ड्रिंक के अंदर अगर ये गैस ना हो तो उसका आपको मजा नहीं आता, क्योंकि आप कहते हैं कि ये जो है ना वो बोतल सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें ये वाला कार्बोनिक एसिड मौजूद नहीं होता, तो उसमें एक जायके की बड़ी वजह क्या होती है, कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, तो बहरहाल तो ये एसिड है एक और ये वीक एसिड है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना वो हम नहीं पी सकते। ठीक है, और जो है ना वो क्योंकि वो ज्यादा कोरोसिव होते हैं और वो ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो चल जाता है एनी हाउ।
अच्छा जी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस भी वही होती हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं वाटर में। मिसाल के तौर पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो इसको आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये बड़ा इजीली डिजोल्व होके कैटाइन पोटाशियम आयन बना देता है प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बना देता है, ठीक है। तो अब ये इनके बारे में ये है कि जो ये जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं, 1A हाइड्रोजन वाला जिसमें हाइड्रोजन उसमें शामिल नहीं होता, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटाशियम, रुबिडियम वगैरह, ठीक है, ये जो सारे के सारे इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसी तरह वो कहते हैं जी कि जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, 2A में कौन कौन आता है जी, बेरिलियम आता है, ठीक है, और मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रॉन्शियम आता है, बेरियम आता है, ठीक है। इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो ये इनके साथ इनकी वैलेंसी 2 होती है तो इनके साथ 2 हाइड्रोक्साइड लगते हैं। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं और ग्रुप 1A के हाइड्रोक्साइड हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ठीक है, इनकी एक जनरल एक प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं, इनके अंदर OH ग्रुप, इनको हम अल्कलीज भी कहते हैं। ये जो 1A और 2 वाले है ना, इनको हम अल्कलीज भी कहते हैं। एक अल्कली मेटल आपने पढ़ा हुआ, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ा हुआ, इनको कंबाइन हम कहते हैं अल्कलीज। अल्कलीज का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1A या 2A एलिमेंट्स, उनको हम अल्कलीज कहते हैं। आगे हम एक चीज पढ़ने के बल्कि आपने बड़ी हुई है मैट्रिक में कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। एनी हाउ, जो अल्कली का वर्ड है ना, आज भी हम बेस के मुतबादल के तौर पे अल्कली का वर्ड यूज करते हैं। तो उस अल्कली का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड किसका, ग्रुप 1A का या 2A का, स्पेशली 1A का जो हाइड्रोक्साइड होगा उसको हम अल्कली बोलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह वीक बेस वो होता है जो पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है, और जैसा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सही है, ये एक वीक बेस है, इसकी पानी में कम्प्लीट डिसोसिएशन नहीं होती, उसके अलावा और भी हो सकते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आमतौर पर क्या होता है जी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ठीक है, एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन के नतीजे में बनता है सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर बनता है, और यहाँ हम इसको एक और तरह से भी दे सकते हैं, सॉल्ट और सॉल्वेंट बनता है, ठीक है। सॉल्वेंट अगर वाटर है तो वहां पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के दरमियान है ना। तो अब किसी चीज के एसिड होने के लिए क्या चाहिए, एच पॉजिटिव, बेस होने के लिए क्या चाहिए, OH नेगेटिव। तो इसका मतलब एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वो बेसिकली किसका रिएक्शन है, एच पॉजिटिव का और OH नेगेटिव का रिएक्शन है, और उसके नतीजे में क्या बनता है, वाटर बनता है। तो बेसिकली हम सिंप्लीफाई करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज सिंपल द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आरहीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कहें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल क्या है कि प्रोटॉन का और हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है जिसके नतीजे में क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जाहिर है कि सबसे बड़ी पहली जो है वो थ्योरी थी, सबसे पहली थ्योरी थी जिसमें जिसने ये एक डेफिनेशन दी थी हमें एसिड और बेसिस की, ठीक है, और ये इसका एक बड़ा एडवांटेज था। अच्छा, लेकिन उसमें एक और भी बहुत सारी चीजें थी। हमारे पास एक होती है इंथाल्पी, आपने इंथाल्पी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है, कि किसी रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, या एब्जॉर्ब होती है, उसकी इंथाल्पी चेंज कहलाती है, और आमतौर पर अगर वो रिलीज हो तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अब्जॉर्ब हो तो वो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम कोई भी एसिड बेस रिएक्शन करवा लें, मिसाल के तौर पर आप रिएक्शन करवा लें जी HCl का, ठीक है, HCl का और NaOH का रिएक्शन करवा लें, ठीक है, रिएक्शन करवा लें जी आप फर्ज करें HNO3 का, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 का आप रिएक्शन करवा लें KOH से, ठीक है, या आप क्या कर लें जी कि रिएक्शन करवा लें, मेरा आवाज आ रही है सही, मेरी कट रही है आवाज, बाकी लोगों को सही आ रही है जी सर? तो फिर वो जिसको कट के आ रही है उसका अपना मसला है इंटरनेट का। अगर सबको जैसे कल हो रहा था प्रॉब्लम सबको,
नहीं थी आ रही आवाज, तो फिर वो जाहिर है मेरी तरफ से होगा कोई इंटरनेट वगैरह का मसला। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप कोई भी एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवा लें, मिसाल के तौर पर HCl का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, HNO3 का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड का आप करवा लें फर्ज करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH2 के साथ, ठीक है, आप कोई भी एसिड बेस रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता कि एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और इसमें वाटर बनता है, तो इन सारे रिएक्शन की एक प्रोडक्ट जो होती है वो वाटर होती है। तो इस एक इन सारे रिएक्शन में जो हमने ऑब्जर्व किया कि इन सारे रिएक्शन में वाटर तो बनता ही है, यहाँ पे 2H2O बनेगा, दो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे H2O बनेगा, ठीक है, साथ साल्ट बनेंगे, साल्ट में मेंशन कर रहा, ठीक है ना, तो वो पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड और वगैरह वगैरह कैल्शियम सल्फेट वगैरह बनेंगे। एनी हाउ, इस इनमें जो सबसे हमें एक अलग चीज नजर आई वो ये थी कि तीनों की तीनों रिएक्शन में जो इंथाल्पी है वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो इंथाल्पी ऑफ है न्यूट्रलाइजेशन, वो -57.9 किलो जूल पर मोल है। कि रिएक्शन तीनों के तीनों मुख्तलिफ हैं, तीनों में रिएक्टेंट्स भी मुख्तलिफ हैं, जो ना वो एक प्रोडक्ट सेम है वाटर, बाकी मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन सब में जो हीट ऑफ रिएक्शन है या जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो सेम आ रही है, ठीक है। तो अब इसकी क्या रीजन है कि कोई भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवा लें, उसमें रिलीज होने वाली एनर्जी जो है उसकी मकदार एक जैसी ही होती है। तो इसकी रीजन हमें अरहिनियस के कॉन्सेप्ट से मिलती है कि कोई भी आप एसिड बेस रिएक्शन करवा लेंगे, उसमें जो बेसिक रिएक्शन होता है वो क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का, तो हमेशा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जब रिएक्शन होगा और वाटर बनेगा तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एंथैल्पी रिलीज होगी, वो -57.9 किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को, या जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, कि सारे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस्ड रिएक्शंस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक जैसी ही क्यों होती है, उसकी जो है वो हमारे पास एक्सप्लेनेशन जो है वो आती है इधर से अरहिनियस के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। उसके अलावा ये थ्योरी हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफ्रेंशिएट करने में मदद देती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग या वीक होना डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम की पोजीशन से मुराद ये है कि मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी एसिड को डिसॉल्व करते हैं, उसको रिवर्सिबल एरो से शो करते हैं, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन से मुराद होता है कि कितने परसेंट जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड में ये जो है ना वो 100% जो है वो इधर कन्वर्ट हो जाता है, 100%, ठीक है। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम की वैल्यू बड़ी होती है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन राइट पे होती है सारी की सारी। लेकिन अगर कोई वीक एसिड होगा, मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड, तो उसमें 100% जो ना वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाती, तो इसकी वजह से हम वहां पे कह सकते हैं कि वहां पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है उस पे उससे हमें पता चलता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग, जितना परसेंटेज प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा होगी उतना वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी उसकी डिसोसिएशन ज्यादा होती जाएगी उतना हम कहेंगे कि वो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और लास्ट पे ये कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एसिड्स को भी एक्सप्लेन करती है कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एसिड से मुराद क्या है, कि कैटलिस्ट क्या होता है कि जो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है किसी रिएक्शन के रेट को, ठीक है। तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया है कि जैसे जैसे किसी इस कैटलिस्ट में एच पॉजिटिव की मिकदार, एसिडी कैटलिस्ट में मिकदार ज्यादा होती जाएगी, तो उसका रिएक्शन के रेट पे जो असर है वो भी ज्यादा होता जाएगा, रिएक्शन के रेट जो है वो ज्यादा होता रहेगा। तो एच पॉजिटिव की तादाद कब होती है, जब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ज्यादा वहाँ पे एच पॉजिटिव की तादाद होगी, प्रोटोन की तादाद ज्यादा होती जाएगी, तो वो उतना ज्यादा अच्छा कैटलिस्ट होगा और उतना ही रिएक्शन के रेट को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके मेरिट्स के साथ साथ उसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी। सबसे पहले लिमिटेशन ये थी कि भाई ये जो हमने कॉन्सेप्ट है ना एसिड और बेस का, ठीक है, तो हमने सिर्फ इसको लिमिटाइज कर दिया है एक्वस सॉल्यूशंस तक। एसिड वो होता है जो पानी में हल होने पे प्रोटॉन देता है, बेस वो होता है जो पानी में हल होने पे हाइड्रोक्साइड देता है। अब हमारे पास बहुत सारी बेशुमार ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज रखते हैं लेकिन वो पानी में हल नहीं होते, मतलब हमने लिमिटेड कर दिया कि अगर किसी चीज ने एसिड या बेस के तौर पे बिहेव करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो पानी में हल हो, ठीक है। तो उन चीजों के बारे में हम क्या फिर कहेंगे कि जो पानी में डिजॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था, फ्लॉ था कि भाई जिन चीज जो चीजें पानी में हल नहीं होती उनके बारे में इसमें हमें कोई जो ना वो एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती कि उनके बारे में हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है या नहीं है। एनी हाउ, तो दूसरा हमें जो ना वो ये है कि गैस फेज जो रिएक्शन है यहाँ पे भी सॉल्वेंट का मसला आ जाता है कि गैस फेज रिएक्शन में कोई सॉल्वेंट ही नहीं होता, तो उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो सॉल्वेंट पे बेस कर रहा है कि पानी के अंदर जो चीजें हल होंगी वो एसिड, और हल होने के बाद मतलब प्रोटॉन देंगी वो एसिड,
और जो हल होने के बाद जो है वो देंगी हाइड्रोक्साइड देंगी वो बेसिसों की, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। उसके अलावा इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि आर्हिनियस कॉन्सेप्ट जो होता है वो सिर्फ उन्हीं स्पीशीज तक महदूद है, मतलब उन चीजों तक महदूद है जिनके अंदर एच पॉजिटिव और ओ एस नेगेटिव है। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एसिडिक हैं लेकिन उनमें एच पॉजिटिव नहीं होता, मिसाल के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये एसिडिक होती है, ठीक है, ये इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये भी एसिडिक होती है, ठीक है, ये एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या है, कोई एच पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, नो एच पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है तो एसिड लेकिन इनके अंदर एच पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आर्हिनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे एसिड्स को कन्वर्ट कवर नहीं करता। हमारे पास कुछ ऐसे एसिड भी हैं जो आर्हिनियस के मुताबिक तो एसिड नहीं है लेकिन वो एक्चुअली क्या है, एसिड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस थ्योरी में क्या है, फ्लॉ है। उसके बाद ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो बेसिक होती है जैसा कि अमोनिया है और कैल्शियम ऑक्साइड है लेकिन इनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता, ठीक है। जब हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होगा तो इट मीन्स के आर्हिनियस का कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो ये बेस नहीं है लेकिन वैसे ये बेसिस हैं, ये बेस के तौर पे काम करती हैं और बेस वाले जो ना वो रिएक्शन देती हैं। तो इट मीन्स कि ये इस थ्योरी के अंदर जो ना वो फ्लॉज है, ठीक है, ये इसके अंदर जो ना वो लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट जब भी हम कोई मतलब कोई थ्योरी सोचेंगे या करेंगे हमने इन लिमिटेशंस को कवर करना है, या कोई ऐसी थ्योरी हो जो इन लिमिटेशंस को क्या करे, कवर करे, ठीक है। तो ये था जी आर्हिनियस का कॉन्सेप्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन हो तो पूछ लें फिर आगे।